मिस्ट्री शॉप। अब भाई देखो, अभी के टाइम पे हमारे फ्री फायर के बहुत सारे सर्वर के अंदर तो मिस्ट्री शॉप इवेंट ऑलरेडी आ रहे हैं। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ। अरे हाँ भाई, दूसरे सर्वर से हमें कोई फायदा नहीं है, बट गाइस फाइनली यार आज करीना ने इंडिया सर्वर के लिए भी मिस्ट्री शॉप इवेंट को पूरा 100% कंफर्म कर दिया है। क्या बात कर रहे हैं? सच में यार, हमारे इंडिया सर्वर के अंदर भी मिस्ट्री शॉप आने वाला है। और आप लोग चिंता मत करो, ये जो अपकमिंग मिस्ट्री शॉप इवेंट रहेगा इसका पूरा ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। और तो फिर गाइस, आज हम लोग बात करेंगे हमारे फ्री फायर इंडिया के बारे में। हाँ यार, फ्री फायर इंडिया बहुत टाइम से लॉन्च नहीं हुआ है, बट अब गाइस फ्री फायर इंडिया के रिगार्डिंग कुछ लीक्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग चिंता मत करो, ये फ्री फायर इंडिया का क्या सीन है, कब तक लॉन्च हो सकता है, सब कुछ मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। वाओ! अरे भाई, इतना जल्दी वाओ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यार आज की वीडियो में तो मैं आप लोगों को और भी बहुत तगड़ा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसे कि गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट ओबी अपडेट के बारे में। काफी सारे चेंजेस हमारे गेम के अंदर इस बार के ओबी अपडेट के बाद होने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे गेम के अंदर नया कैरेक्टर, नया गन भी आने वाला है। आप लोग चिंता मत करो, ये जो ओबी अपडेट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है ये भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में देने वाला हूँ। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अरे धक धक नहीं भाई, आज से तुम्हारा दिल फट के बाहर आ जाएगा, क्योंकि इतने सारे इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आज की वीडियो में तो मैंने आप लोगों के काफी मस्त मस्त कमेंट्स को भी पिक कर रखा है। इसलिए गाइस, एक तरीके से देखा जाए तो यार आज का वीडियो इतना इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इतना एंटरटेनिंग रहने वाला है, किसी ने सोची ना होगी। और खैर यार, अब तुम लोगों को कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यार अभी तो हम लोग इस वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले ही मैं आप लोगों को फ्री फायर इंडिया के बारे में बताता हूँ। हाँ तो भाई देखो, वैसे तो फ्री फायर इंडिया सितंबर में लॉन्च होने वाला था, बट फिर यार गरीना ने इसके लॉन्च को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया था। पर अगर हम लोग ये पोस्टपोन को ध्यान से देखें तो भाई अब हफ्ते, दिन, महीने सब बीत चुके हैं और फाइनली यार पूरा साल ओवर होने वाला है, बट फ्री फायर इंडिया का कोई अता पता है ही नहीं। हाँ यार, बहुत टाइम तक तो फ्री फायर इंडिया के कोई लीक्स भी नहीं आ रहे थे, बट फाइनली यार अब धीरे धीरे फ्री फायर इंडिया के रिगार्डिंग वापस से कुछ लीक्स आना स्टार्ट हुए। चलो मैं आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग से सब कुछ लीक्स वगैरह दिखा रहता हूँ। हाँ तो गाइस देखो, आज से लगभग कुछ 3-4 हफ्ते पहले फ्री फायर इंडिया सबसे पहले तो प्ले स्टोर से गायब हो गया था, जिसको देखकर सभी लोग ये सोचने लगे थे कि फ्री फायर इंडिया अब जो है टोटली बैन हो चुका है और अब हमें वापस से कभी फ्री फायर इंडिया लॉन्च देखने को नहीं मिलेगा। पर गाइस देखो, जब फ्री फायर इंडिया प्ले स्टोर से रिमूव हुआ तो उसके कुछ 2-3 दिन बाद फ्री फायर इंडिया वापस से प्ले स्टोर के अंदर आ चुका था और अभी के टाइम पे ऑलरेडी फ्री फायर इंडिया प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। बाकी खैर गाइस, अगर हम लोग ये फ्री फायर इंडिया के प्ले स्टोर से रिमूव होने के रीजन की बात करें, यार इसका रीजन था कि फ्री फायर इंडिया का जो गेम इंजन है उसे चेंज किया जा रहा था। बाकी जैसे ही फ्री फायर इंडिया का जो गेम इंजन है वो चेंज हो गया, जी हाँ गाइस, फ्री फायर इंडिया का जो नया गेम इंजन है वो अनरियल इंजन है। हाँ मतलब नाम है उस इंजन का अनरियल इंजन। अब गाइस देखो, करीना ने गेम को अनरियल इंजन में ट्रांसफर किया है, तो इसका साफ सीधा मतलब है कि फ्री फायर इंडिया कोई बैन वगैरह नहीं होने वाला है, वो 100% कंफर्म लॉन्च होगा। बाकी वैसे फ्री फायर इंडिया प्ले स्टोर से भी तभी तक रिमूव रहा जब तक ये गेम का इंजन चेंज नहीं हो गया। एक बार जैसे ही गेम का इंजन चेंज हो चुका था सक्सेसफुली, उसके बाद फ्री फायर इंडिया वापिस से प्ले स्टोर में आ गया था। अब बेसिकली गाइस देखो, अभी मैं आप लोगों को ये रीजन तो बता चुका हूँ कि जो बीच में फ्री फायर इंडिया प्ले स्टोर से रिमूव हुआ था वो क्यों रिमूव हुआ था। एंड हाँ, अभी हम लोगों को ये भी पता चल गया है कि फ्री फायर इंडिया जरूर लॉन्च होगा, तभी तो गेम का इंजन चेंज किया गया है, वरना तो वैसे ही उसको गायब कर दिया जाता। तो अभी गाइस, अगर हम लोग बात करें कि फ्री फायर इंडिया कब तक लॉन्च हो सकता है, यार इसके रिगार्डिंग भी मुझे कुछ लीक्स मिले हैं। तो सबसे पहले तो गाइस, आप लोग स्क्रीन में पोस्टर देखो भाई, ये पोस्टर में लिखा है फ्री फायर इंडिया नाउ रेडी फॉर द एक्सक्लूसिव लॉन्च, जॉइन द हाइप। फिर यार अगर आप लोग इस पोस्टर को ध्यान से देखोगे तो यार यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे ओबी 43/24 January लिखा हुआ है। सिंपली गाइस, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारा जो नेक्स्ट ओबी अपडेट है, ओबी 43 अपडेट, वो तो 100% 24 जनवरी को आने वाला है। और अगर हम लोग ये पोस्टर को देखें तो भाई इस पोस्टर के अकॉर्डिंग भी फ्री फायर इंडिया बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, हालांकि इधर कोई लॉन्च डेट नहीं दिया हुआ है। बट गाइस देखो, जैसे ही मुझे ये पोस्टर मिला तो मैंने थोड़ी सी और खोजबीन करी, बाकी हाँ थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कंफर्म हो गया था कि हो सकता है हमारा जो फ्री फायर इंडिया गेम है वो ओबी 43 अपडेट के साथ ही लॉन्च हो जाए या फिर एक दो दिन आगे पीछे लॉन्च होगा। बट फिर यार मुझे एक और पोस्टर मिला जो कि अभी आप लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे। अब यार इस पोस्टर पर तो साफ साफ लिखा हुआ है फ्री फायर इंडिया रिलीजिंग ऑन 26 January। अब गाइस देखो, ये पोस्टर मिल चुका है तो अब यार मुझे लग रहा है सच में फ्री फायर इंडिया 26 January को लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि यार अभी के टाइम पे बस ये पोस्टर ही नहीं और भी बहुत सारे फ्री फायर इंडिया के रिगार्डिंग कंटिन्यू लीक्स आ रहे हैं। जैसे कि गाइस, करीना ने बहुत सारे फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम वाले यूट्यूबर्स को फ्री फायर इंडिया
इंडिया वाले गिफ्ट देना स्टार्ट कर दिया है। एक गिफ्ट का वीडियो भी सामने आया था, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो। अब बेसिकली यार ये वीडियो बस 3 सेकंड का था, मैंने बार बार लगा कर दिखा दिया जिससे कि आप लोगों को अच्छी से वीडियो दिख पाए। और वैसे मैं आप लोगों को बताऊं तो इस वीडियो से ज्यादा कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। बस यहाँ पर फ्री फायर इंडिया एक्स MSD लिखा हुआ है जो कि Amazon का कोलैबोरेशन का है। और क्योंकि अभी के टाइम पे हमारे फ्री फायर के बहुत सारे यूट्यूबर्स को ये गिफ्ट मिला है, तो इसका मतलब है कि गाइस गरीना चाहता है कि फ्री फायर इंडिया का प्रमोशन हो जाए, क्योंकि भाई अभी के टाइम पे फ्री फायर इंडिया की हाइप बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। आप लोगों को भी पता होगा यार, जब फ्री फायर इंडिया के बारे में स्टार्टिंग में पता लगा था तो बहुत ज्यादा फ्री फायर इंडिया की हाइप बढ़ गई थी। एक साथ यार फ्री फायर इंडिया ने मिलियंस में प्री रजिस्ट्रेशन करे थे, बट अभी गाइस फ्री फायर इंडिया की हाइप बहुत ज्यादा कम हो चुकी है जिससे कि थोड़ी सी फ्री फायर इंडिया की हाइप वापस आ सके। सो ऑलराइट गाइस, देखो अभी मुझे फ्री फायर इंडिया के रिगार्डिंग जो भी वीडियोस मिले थे, जो भी पोस्टर मिले थे, सब कुछ मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं। जितना भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल पाया था वो इन्फॉर्मेशन भी मैंने आप लोगों को दे दिया है। तो उम्मीद है यार फ्री फायर इंडिया के रिगार्डिंग अभी आप लोगों के मन में जितने भी सारे डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर मैं आप लोगों को वापस से इसकी पॉसिबल लॉन्च डेट बताऊं तो चांसेस है कि यार 26 जनवरी के दिन फ्री फायर इंडिया इस बार लॉन्च हो ही जाए। बट अगर फिर से इस बार ग्रीना ने फ्री फायर इंडिया की लॉन्च डेट को पोस्टपोन किया भाई बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। खैर अभी गाइस देखो फिलहाल तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अभी गाइस हम लोगों ने फ्री फायर इंडिया की बात कर ली है, तो जरा मैं आप लोगों को नेक्स्ट OB43 अपडेट के रिगार्डिंग भी कुछ लीक्स दे ही देता हूँ। हाँ तो गाइस देखो फ्री फायर इंडिया का जो OB43 अपडेट है वो आएगा 24 जनवरी को। और गाइस अभी आप लोग स्क्रीन में वैसे ही OB43 अपडेट का एक पोस्टर देख ही पा रहे होंगे, जिस पोस्टर के अकॉर्डिंग यार हमारे गेम के अंदर एक तो यार कुछ इस तरीके का नया कैरेक्टर आने वाला है जिसका लुक बहुत ही ज्यादा कमाल का है। उम्मीद है यार आप लोगों को भी ये कैरेक्टर का लुक पसंद आया होगा। देन फिर तो गाइस इस पोस्टर में एक गन भी था जो कि अभी आप लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे। भाई ऐसा लग रहा है इस गन को MP5 और VSS को जोड़ के बना दिया है। बट जो भी है यार ये गन हमारे गेम के अंदर OB43 अपडेट में ही आने वाला है। बाकी अभी ये गन कैसे चलेगा, कौन सा गन है, SMG है, AR है, ये तो भाई तभी पता चलेगा जब हमारा OB43 अपडेट का एडवांस सर्वर आएगा। और वैसे अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आप लोगों को पता होगा यार मैं ऑलरेडी एडवांस सर्वर के लिए रजिस्ट्रेशन करना सिखा चुका हूँ। और मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है कि एडवांस सर्वर कब आएगा। तो अगर गाइस आप लोगों को नहीं पता है कि एडवांस सर्वर के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, एडवांस सर्वर कब आएगा, तो मैं कमेंट सेक्शन पे यार वीडियो का लिंक लगा दूंगा। आप लोग इस वीडियो को देखो, फिर आप लोग एडवांस सर्वर वाले वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी खैर गाइस फिलहाल तो अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले अपकमिंग मिस्ट्री शॉप इवेंट के बारे में। तो बेसिकली गाइस देखो जो हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाला मिस्ट्री शॉप इवेंट है उसे आज ही के दिन ग्रीना ने पूरा 100% कंफर्म कर दिया है। सच में गाइस सभी लोग मिस्ट्री शॉप इवेंट का बहुत इंतजार कर रहे थे। और जब से यार ये हमारे फ्री फायर के पाकिस्तान सर्वर, वियतनाम सर्वर और कुछ और भी सर्वर है जहाँ पर मिस्ट्री शॉप इवेंट आया, तो यार वो मिस्ट्री शॉप इवेंट को देख देख कर सब लोग मुझसे पूछने लगे थे कि मिस्ट्री शॉप इंडिया सर्वर में क्यों नहीं आ रहा है। सो फाइनली गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि कुछ एक दो दिन पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस मंथ दिसंबर में तो हम लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर मिस्ट्री शॉप इवेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई यही सच बात है, दिसंबर मंथ अब खत्म होने वाला है और अब दिसंबर मंथ में मिस्ट्री शॉप इवेंट नहीं आएगा। मगर गाइस आज जो मुझे लीक्स मिले हैं उनके अकॉर्डिंग नेक्स्ट मंथ जनवरी में हम लोगों को 12 तारीख के दिन हमारे इंडिया सर्वर के अंदर 100% कंफर्म मिस्ट्री शॉप इवेंट देखने को मिलने वाला है। तो खैर यार अभी मैंने आप लोगों को मिस्ट्री शॉप इवेंट का कंफर्म डेट बता दिया है। तो अभी गाइस अगर हम लोग इसके रिव्यू की बात करें तो देखो गाइस मैंने अपकमिंग मिस्ट्री शॉप इवेंट को प्री एक्सेस करने का बहुत ट्राई करा, बट अपकमिंग मिस्ट्री शॉप इवेंट अभी प्री एक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए गाइस अगर आप लोग मिस्ट्री शॉप इवेंट का रिव्यू देखना चाहते हो तो सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और थोड़ा सा इंतजार करो। जैसे आज मिस्ट्री शॉप इवेंट का कंफर्म डेट आया है, ऐसे ही जब मिस्ट्री शॉप इवेंट प्री एक्सेस होगा तो मैं आप लोगों को पूरा मिस्ट्री शॉप इवेंट का 100% कंफर्म रिव्यू भी करवा दूंगा। पर क्योंकि तो गाइस फिलहाल तो आज मेरे पास जितना भी इन्फॉर्मेशन था मैं आप लोगों को सब कुछ बता चुका हूँ, इसलिए तो यार अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स के बारे में जिनको मैंने कल के वीडियो से पिक कर रखा है। हाँ तो गाइस देखो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला कमेंट है ये किया है पुष्कर ठाकुर ने, और यार ये बंदे ने कमेंट में लिखा है भाई मेरा आईडी बैन हो गई, आईडी रिकवर करने का आइडिया बताओ। भाई देखो अगर तुम्हारा आईडी हैक हुआ होता तो यार मैं जरूर रिकवर करवा देता, पर भाई तुम्हारा आईडी तो बैन हो चुका है, तो भाई अब उम्मीद छोड़ दो तुम्हारा आईडी अनबैन नहीं होगा, क्योंकि यार गरीना हमेशा ही बहुत सारे लोगों का आईडी बैन कर देता है, फिर यार उनको या तो नया आईडी बनाना पड़ता है या फिर किसी दूसरे बंदे का आईडी लेना पड़ता है, क्योंकि भाई गरीना किसी भी ओल्ड आईडी को अनबैन नहीं करता है। तो ऑलराइट गाइस देखो क्योंकि अभी मैंने इस बंदे कमेंट का रिप्लाई दे दिया है इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले कमेंट की। इस कमेंट में बंदा पूछता है नेक्स्ट मोगो स्टोर इवेंट कंफर्म डेट प्लीज। तो भाई देखो अभी नेक्स्ट मोगो स्टोर इवेंट कंफर्म ही नहीं हो रखा है, तो मैं तुम्हें नेक्स्ट मोगो स्टोर इवेंट का डेट भी नहीं बता सकता। बाकी हां आप लोग इंतजार करो, जैसे ही मुझे नेक्स्ट मोगो स्टोर इवेंट के लीक्स मिलेंगे मैं खुद से आप लोगों को बता दूंगा। बाकी अभी तो गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले कमेंट की। इस कमेंट में बंदा पूछता है ब्रो नेक्स्ट इवो गन कौन सी आएगी बता देना। हाँ तो भाई देखो नेक्स्ट जो हमारी इवो गन रहने वाली है वो रहेगी इवो वुडपीकर, और यार ये जो इवो वुडपीकर होगी वो हमारे गेम के अंदर एग्जैक्ट सेम टू सेम ऐसे ही रिंग इवेंट में आएगी जैसा आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो।
और वैसे अगर मैं आप लोगों को ये रिंग इवेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताऊं तो भाई यहाँ पर हमारी नई इवोगन तो रहने ही वाली है वुडपीकर की, साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पर M1014 की स्कॉर्पियो सेटर वाली इवोगन और थॉमसन की इवोगन देखने को मिलेगी। तो अब यार देखो मैंने आप लोगों को नेक्स्ट इवोगन के बारे में बता दिया, साथ ही साथ मैंने आप लोगों को नेक्स्ट इवो वॉल्ट इवेंट ही दिखा दिया है। तो अभी गाइस हम लोग इसके कंफर्म डेट के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। ऑलराइट गाइस देखो जो अभी हमारे गेम के अंदर इवो वॉल्ट इवेंट चल रहा है, जैसे ही वो रिमूव होगा उसी टाइम पे हमारे गेम के अंदर ये नया इवो वॉल्ट इवेंट आ जाएगा। तो अब आप लोग खुद ही गेम के अंदर चेक कर लेना कि कितना टाइम और बचा है हमारे इवो वॉल्ट इवेंट को। बाकी खैर यार अभी अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बात करते करते, आप लोगों के कमेंट्स के बारे में बात करते करते ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो चुका है, इसलिए गाइस अभी हम लोग इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। आप लोग चिंता मत करो, कल भी मैं आप लोगों के ऐसे ही कमेंट पिक करूंगा, तो आज आप लोग ढेर सारे कमेंट्स करना है। बाकी अब मैं मिलता हूँ गाइस आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।